नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप जब कार को ख़रीदने जाते हैं और या फिर कार को सर्विसिंग देने जाते हैं, या आप कार को अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करते हैं, या कार में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पर कार के पार्ट्स को ना जानना एक आपके लिए समस्या बन सकती है। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कार को रिपेयर कैसे करते हैं, कार में प्रॉब्लम आए उससे कैसे जाने कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कार की लाइफ कैसे बढ़ाएं, माइलेज कैसे इंक्रीज करें। ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको कार के पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो मैं इंजन के पार्ट्स में भी जाऊँगा, एक्सटीरियर इंटीरियर के पार्ट्स में भी जाऊँगा, पहले थ्योरेटिकली, फिर मैं आपको कार रियल कार में भी समझाऊँगा कि उसमें आपको कि क्या क्या किस तरह से समझना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने कार ड्राइविंग के ट्यूटोरियल्स बनाए थे, जो कि और आगे बनने और अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं। और हालांकि मैंने पहले रेगुलर नहीं था वीडियोस अपलोड करने में, लेकिन अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि क्वालिटी मैंने इम्प्रूव करने के लिए सेटअप रेडी कर रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो इसीलिए आप ये वीडियो देखें और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। ये अभी फ़िलहाल एम है, लेकिन आप लोगों को ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कार के डिफरेंट पार्ट्स को समझने के लिए। सबसे पहले कार की बॉडी को समझते हैं, कार के बाहरी हिस्से को, ठीक है। कोई एक्सेसरीज डालनी है, कोई पार्ट्स पे कोई स्क्रैच हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आती है ये समझना कि कार की एक्सटीरियर पार्ट्स क्या क्या हैं, ताकि आप जब सर्विसिंग के लिए जाएं, आप चाहे कोई एक्सेसरी ऐड करने जाएं, तो उस समय भी आप ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकें, आप बता सकें कि भाई यहाँ पर मेरे को ये एक्सेसरी डालनी है। तो इसलिए पहले एक्सटीरियर में जाते हैं। एक्सटीरियर में आप देखें तो आगे आपको सबसे पहले आगे वाले हिस्से में यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आपको हेडलाइट्स हैं, जो बहुत बेसिक है, सबको मालूम है। यहाँ पर ग्रिल होती है, यहाँ पर आपके बम्पर हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फेंडर्स हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, रेडिएटर सपोर्ट है, ग्रिल है, ठीक है। ये एक BMW कार है ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज, उसके अलावा यहाँ पर हुड है, हुड को ओपन करने से इंजन दिखाई देती है, ओके। उसके अलावा यहाँ पर हमारे मिरर्स हैं, साइड व्यू मिरर्स, ठीक है। मैं इंटीरियर में जाऊंगा बाद में इसके अलावा, लेकिन आप फिलहाल ये देख लीजिए। यहाँ पर डोर्स हैं, ठीक है। एसी कंडेंसर्स हैं, साइड बम्पर्स हैं, ठीक है, साइड बम्पर्स टायर के ऊपर जो दिए हुए हैं। टेल लाइट्स हैं, टेल गेट ट्रंक लिड्स हैं, ओपन करने से यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिलता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। जो आपने ये समझ लिया तो हम लोग इंटीरियर्स में चलते हैं। इंटीरियर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आगे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के पार्ट्स पे पहले समझते हैं। यहाँ पर आपके एयर वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एयर वेंट जनरली बीच में होता है। उसके अलावा आपको एयर वेंट के अलावा यहाँ पर गियर लीवर है। गियर लीवर में डिफरेंट दो तरह के गियर लीवर मैंने पहले डिस्कस किए थे, जहाँ पर एक रिवर्स गियर लेफ्ट में होता है फर्स्ट गियर के, वो एक तरह का गियर लीवर होता है, और दूसरा गियर लीवर होता है जहाँ पर राइट मोस्ट साइड में बॉटम में आपके रिवर्स गियर होता है। किसी में 5 गियर ही होते हैं, किसी में 6 गियर होते हैं। तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तरह के गियर लीवर हैं, और यहाँ पर आपको एक तरह का गियर लीवर दिया गया है, ताकि आप डिफरेंट गियर में शिफ्ट हो सकें। उसके अलावा डैशबोर्ड में आप देखें तो राइट साइड में आपके एक स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील में हॉर्न का फंक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्पीडोमीटर है, इग्निशन स्विच है, फ्यूल गैज है, इग्निशन स्विच ऑन करने से, पावर ऑन करने से इंजन ऑन होता है। उसके अलावा रेव काउंटर है, ठीक है, ये सारी फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर फ्यूल गॉज भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, ये थोड़ा फंक्शनलिटी, थोड़ा पार्ट्स इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आता है क्लच, फिर आता है आपके ब्रेक, फिर आता है आपके एक्सेलरेटर। ये बात आपको याद रखिए, इंडियन कार में ऐसा ही होता है। यहाँ पर आप जो अगर देखें बीच में, तो ये है हैंड ब्रेक, यानी इमरजेंसी ब्रेक।
इसका इस्तेमाल या तो इमरजेंसी में आप कार को रोकने के लिए, कभी ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो उसके उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन इसका ये भी है कि अगर आप स्लोप पे हैं, अप हिल हैं, ट्रैफिक में जाम है, पीछे गाड़ी जा सकती है, अब जा रही है, ब्रेक उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम भी हैंड ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके इस्तेमाल के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में ट्रैफिक एंड अपहिल ड्राइविंग वाले एक वीडियो जो बनाया था मैंने, उसमें अच्छे से इसका यूज़ समझाया है मैंने, तो आप उसे देख लीजिएगा। ड्राइवर सीट में सीट बेल्ट दिया हुआ है, जब भी आप गाड़ी चलाने जाते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए, ये सेफ्टी होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक को दबाते हैं, धक्का लगता है, तो आपका हेड जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे लग सकता है, उस टाइम पे आपके सीट बेल्ट हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा ग्लोव कंपार्टमेंट, ग्लोव बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट एड किट वगैरह लोग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके साइड व्यू मिरर दिया हुआ है दो, यहाँ पर रियर व्यू मिरर है, ठीक है। इस यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है, बीच में GPS नेविगेशन सिस्टम, म्यूजिक प्लेयर वगैरह के साथ आपको AC का डिफरेंट डायरेक्शन चेंज करना या AC को कंट्रोल करने का दिया गया हैगा पार्ट्स। म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक ऑब्वियसली, कौन सा CD प्लेयर आप CD से प्ले करना चाहते हैं, FM रेडियो प्ले करना चाहते हैं, वो सारे पार्ट्स यहीं पर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें, विंडस्क्रीन है हमारे पास, ये विंडस्क्रीन वाइपर है, यानी कि विंडस्क्रीन को वाइप करता है। इसके बारे में जाएंगे कि कैसे चलता है ये भी अब हम लोग समझेंगे, लेकिन ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो इसे हम कार के पार्ट समझ गए। यहाँ पर डोर हैंडल है, ठीक है, जिससे डोर ओपन होता है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर कुछ स्पेसेस दिए होंगे इधर उधर, तो ये सारे बेसिक पार्ट्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंडर द हुड, ठीक है। अंडर द हुड जब आप आगे वाले हिस्से को ओपन करते हैं तो आपको ये सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो पहली चीज़ जो है यहाँ पर आप जो बीच में देख सकते हैं उसे बोलते हैं इंजन कवर। ये इंजन को कवर करने के लिए होता है, इसके अंदर इंजन पुश रॉड होता है, वैल्व होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, कैमशाफ्ट होता है, बाकी कंपोनेंट होते हैं। अगर इसके डिटेल में मैं जाऊंगा अगले वीडियोस में, जिसमें आपको बताऊंगा मैकेनिकली कैसे काम कर रहा है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है तो ये आपको पहले ही आपको मालूम होगा कि किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये इंजन कवर है, यहाँ पर इंजन इस तरह का है। दूसरा जो है आपके पास यहाँ पर वो है अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर एक रिचार्ज स्टेशन के रूप में काम करता है इस कार इंजन में। ये जब आप इंजन को, जब इंजन टर्न करता है, जब इंजन घूमता है, उस टाइम पर अल्टरनेटर स्पिन जो है घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका इस्तेमाल होता है बैटरी को चार्ज करने में भी और इंजन को चलाने में भी, ठीक है। तो ये कार को पावर देने में और बैटरी को पावर देने में, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब ये इंजन चल रही होती है तो इसका उस टाइम पे ये चलता है। कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर तीसरा पार्ट है यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं, ये इसे कार्ब्यूरेटर बोलते हैं। कार्ब्यूरेटर जो होता है, जो गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल है, वो सही अमाउंट में हवा के साथ मिक्स हो, क्योंकि आपको मालूम है आग जलने के लिए, कंबशन के लिए आपको हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसे सही अमाउंट में मिक्स करे उसके लिए कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आजकल जो नई कार्स हैं उनमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, तो उसमें कार्ब्यूरेटर नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी कार में कार्ब्यूरेटर है तो आप इस तरह का कार्ब्यूरेटर होता है, जिसके पीछे अगर आप देखें फोर्थ नंबर पे, तो हमारा एक बाउल है। वो जो बाउल होता है उसका काम है फ्यूल को यानी कि पेट्रोल या डीजल को कार्ब्यूरेटर तक लेकर जाना, ठीक है। उसके अलावा अगर पाँचवें नंबर पर अगर आप देखें राइट साइड में, तो आपको मिलेगा रेडिएटर। रेडिएटर जो होता है वो कूलिंग सिस्टम होता है, इंजन गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। वो अब कैसे ठंडा करता है, उसमें जो होता है कनेक्शन चार पांच चीज़ों से होती है। पहली चीज़ जो है थर्मोस्टेट से उसका कनेक्शन होता है, वाटर पंप से कनेक्शन होता है, ठीक है, रेडिएटर फैन से, रिले से, वाटर से, कई सारी चीज़ों से कनेक्शन होता है, ठीक है, वाटर या कूलेंट जो भी इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है।
तो इसका मेन पर्पस इतना ही है कि ये इंजन को ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि थर्मोस्टैट या रेडिएटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है रेडिएटर का जो पार्ट है वो इंजन का कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट है। यहाँ पर आपके ये थर्मोस्टैट से लिंक्ड होता है। थर्मोस्टैट आपको बताता है कि कितना टेम्परेचर है इंजन का, उस हिसाब से कूलेंट को ओपन करता है, गेट को ओपन करता है, उस हिसाब से उतना कूलेंट भेजा जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये रेडिएटर का पार्ट हुआ। जो आप सिक्स्थ पार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, एक फैन जैसा दिख रहा है, वो रेडिएटर फैन है। ठीक है, उसके अलावा सेवन्थ नंबर पर रेडिएटर कैप है। एट्थ नंबर पर आपके यहाँ जो है वो वाइपर मोटर है। ठीक है, उसके अलावा नाइन्थ नंबर पे मैनिफोल्ड है, और उसके बाद 10th नंबर पे थर्मोस्टैट है जो कि रेडिएटर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो 10th नंबर पे थर्मोस्टैट है वो रेडिएटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है उसे कंट्रोल करता है कूलेंट को भेज के रेडिएटर से। ठीक है, अगर इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है एक लिमिट से, तो थर्मोस्टैट क्या करता है, डोर ओपन कर देता है और कूलेंट को फ्लो होने देता है, यानी कि वाटर है या कोई और कूलेंट है उसको फ्लो होने देता है ताकि इंजन ठंडा हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है 11th नंबर पे, अगर आप देखें लेफ्ट साइड में, तो वो है ब्रेक बूस्टर, या उसे ब्रेक सर्वो भी कहते हैं। ठीक है, वो ब्रेकिंग पावर जो होता है व्हीकल का, अगर आपका ब्रेक लगा रहे हैं और उतनी फास्ट ब्रेक नहीं ले रहा है, ठीक है, जितना वो लिया करता था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेक बूस्टर या ब्रेक सर्वो। 12th नंबर पे जो ऊपर है यहाँ पर, ये जुड़ा हुआ है ब्रेक बूस्टर से, वो है ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लच मास्टर सिलेंडर उसके बगल में ही दिया हुआ है। उसके अलावा 14th नंबर पे अगर आप देखें, ठीक है, तो 14th नंबर पे आपको यहां पर जो है वो है फैन बेल्ट। ठीक है, जो कि फैन के रेडिएटर फैन के हिसाब से मूव कर रहा है। उसके अलावा स्पार्क प्लग यहां पर 15th नंबर पे आप देख सकते हैं, ये चारों स्पार्क प्लग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पार्क प्लग जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी इग्निशन सिस्टम से जो है वो इंजन तक लाता है। ओके, यानी कि जो भी फ्यूल है आपका, पेट्रोल डीजल जो भी है, हवा के साथ मिक्स हो जाता है कार्बोरेटर में इलेक्ट्रिक स्पार्क से। ठीक है, उसके बाद इंजन को स्टार्ट करता है जब हीट होती है या जब आग लगती है वो कंबशन होने से, यानी कि हवा और पेट्रोल से इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से जब आग लगती है और जो गर्मी आती है, उसके बाद ये जो पार्ट है वो काम करता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इग्निशन सिस्टम से इंजन तक लाने में। ठीक है, तो ये स्पार्क प्लग्स का यूज़ है। 16th पार्ट अगर आप देखें तो वो हॉर्न है। हॉर्न हॉर्न क्या होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 17th पार्ट में अगर आप देखें राइट साइड में, ठीक है, तो वो वाटर पंप है। हमने पहले बात की कूलेंट की, पहले बात की रेडिएटर की, थर्मोस्टेट की, और तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इसे वाटर पंप कहते हैं। वाटर पंप जो डायग्राम में दिया गया है वो बेल्ट से घूमता है। ठीक है, वो फ्लूइड जो होता है इंजन से, इंजन में जब रन कर रहा है इंजन, तब तो उस टाइम पे इस पर फ्लूइड भेजता है ताकि इंजन ठंडा हो सके। 18th नंबर पर अगर आप देखें, और यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है देखने में, तो मैं ये पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रेक फ्लूइड हॉर्स, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 19th नंबर पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर जो करता है हाई वोल्टेज, जो इग्निशन कॉइल से, जो कि 20th नंबर पे यहाँ पर है, वो इग्निशन कॉइल से आपको स्पार्क प्लग्स तक, ये रहा आपके इग्निशन कॉइल। ठीक है, 20th नंबर पे, तो ये इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग्स तक जो होता है हाई वोल्टेज को लाता है। ठीक है, अगर ये जो फायरिंग ऑर्डर इनकरेक्ट हुआ, ठीक है, तो इंजन स्मूथली नहीं रन करेगा। 20वें नंबर पे आप जो देख सकते हैं वो है इग्निशन कॉइल।
इग्निशन कॉइल का काम क्या है? इग्निशन कॉइल का काम इतना सा है कि जो बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट का दिया गया है, ठीक है, उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना ताकि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो, कंबशन हो और आपकी इंजन चले, ठीक है, वो हो गया। अब 21st पार्ट यानी 21 जो है वो है स्टार्टर। स्टार्टर जो होता है इंजन को रोटेट करने के लिए ताकि इंजन काम करे, उसका वो काम होता है। 2200 नंबर पे ऑयल फिल्टर होता है, और ये ऑयल फिल्टर ये आपको खुद भी चेक करना है। ऑयल फिल्टर जो होता है वो कंपोनेंट है जिसको हर बार जब भी इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना होता है। ये 2200 नंबर पे है, इसको भी चेंज कीजिए। इसका काम ये होता है कि ऑयल फिल्टर का कोई भी कंटेमिनेंट है, कोई भी ऐसी गंदगी है, वो इंजन ऑयल में मिक्स ना हो, ठीक है। बहुत चीप में मिलता है ये, लेकिन अगर आपकी इंजन की लाइफ आपको बढ़ानी है तो इसको आपको चेंज करते रहना होगा, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया जो है कार के पार्ट्स का, वो मैंने आपको इसमें दिया, लेकिन ये जस्ट थ्योरेटिकल है। हम प्रैक्टिकली भी कार में देखेंगे, एक रियल कार में। ये तो थोड़ी पुरानी कार की पिक्चर है, लेकिन हम अभी जो लेटेस्ट कार है उसमें भी आप देखने वाले हैं कि सारे पार्ट्स को, ताकि आपको आसानी हो जाए कार के पार्ट समझने में, ताकि हम लोग आगे जो वीडियोस हैं उसमें आपको आसानी हो, कोई भी पार्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको खुद क्लिक करें कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, ये आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं रियल पार्ट में, देखते हैं रियल कार में क्या पार्ट्स हैं, क्या है। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो है इंजन कंपार्टमेंट रेडी गो का अंडर द हुड। तो यहाँ पर एक रियल इंजन है, करंट मॉडर्न, इस टाइम पर कैसी इंजन होती है, कैसे कंपार्टमेंट होते हैं, उस हिसाब से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने पिछले स्लाइड में देखा कि जो पुरानी कार थी उसमें कैसे पार्ट्स होते, जो कि सिमिलर होता है। यहाँ पर फंक्शनैलिटी मैंने पहले समझा दी, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ मैं पार्ट्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर कवर करना चाहूँगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को कई सारे प्रिकॉशंस और कई सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो आप कार मतलब जा रहे हैं और रास्ते में बीच में आपकी कार जो है रुक जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करना है, कैसे ठीक करना है, ये भी आपको जानना चाहिए। एमरजेंसी में आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है रियल इंजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डैटसन रेडिगो की ये है। यहाँ पर जो आप देखें ये पूरे पार्ट्स में, तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये येलो कलर के कैप लगा हुआ है, वो जो है वो है ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, ठीक है। मैंने ब्रेक फ्लूइड के बारे में बताया पिछले स्लाइड में, वो ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा येलो कप यहाँ पर भी है, जो कि इंजन ऑयल फिलर कैप है। जो इंजन ऑयल होता है उसका वो नीचे है, इसको उसका कैप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पर ये पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग जो अगर आप यहाँ पर ब्लू कलर का जो ये पार्ट देख रहे हैं, इसे ये विंडो वॉशर फ्लूइड रिजर्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है। जब आप अपना विंडो विंडस्क्रीन वाइप करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसको एयर क्लीनर बोलते हैं, ओके। एक एक करके मैं इन सब पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो देखें ये जो पार्ट है यहाँ पर फ्यूज़ है, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है आपको मालूम है, अच्छी बात है, नहीं तो उसके बारे में बताऊंगा। ये फ्यूज़ का बॉक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। जो आपका अगला पार्ट जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे, वो आपके जो है वो होता है इंजन ड्राइव बेल्ट लोकेशन, ठीक है। इसके इंजन ड्राइव बेल्ट यहाँ पर नीचे चल रहा है, ओके। उसके अलावा रेडिएटर कैप जो है, जो मैंने रेडिएटर के बारे में बताया, वो आपको यहाँ यहाँ पर जो रेडिएटर कैप है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो रेडिएटर ठंडा करने के लिए इंजन वगैरह के बारे में जो मैंने बताया वो यहाँ है, ठीक है। अब कूलेंट कहाँ पर है, ठीक है, तो कूलेंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ नीचे कूलेंट है,
ओके, इसके डायरेक्टली नीचे यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहीं पर एक कूलेंट है, ओके, और कूलेंट वहाँ पर है और बैटरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरीज हैं। तो ये जनरली ऐसा ही दिखने में आपको अपने इंजन में लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरह से है, ठीक है। तो कोई भी समस्या आ रही है आपके इंजन में तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पहली चीज़ पे चलें जो इंजन को कूल करने का सिस्टम जिसमें आपके प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको समझिए कि रेडिएटर का जो कैप है उसको आप खुद ना ओपन करें और तब ना ओपन करें जब इंजन गर्म हो, ठीक है। जब इंजन गर्म हो आपका तब जो रेडिएटर कैप है यहाँ पर उसे ओपन ना करें। अगर आप ओपन करेंगे तो जो फ्लूइड है वहाँ से निकलेगा, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा गर्म आपकी जो आपके अगर मुंह पे गया, आपके जो बॉडी पे गया, कहीं पर भी गया, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे बर्न्स हो सकते हैं, यानी कि आपके जल सकता है वो पार्ट। तो इसलिए इंजन को पहले ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है इंजन कूलेंट चेंज करना है, जो करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इंजन कूलेंट सबसे पहली बात आप समझ लीजिए पॉइजनस होता है, ओके, और इसीलिए आप जो है उसे संभाल करके इसका यूज़ करें, ठीक है। और कूलेंट जो दिया गया है आपकी कंपनी और जेन्युइन ओरिजिनल ही कूलेंट आप इस्तेमाल करें, कोई डुप्लीकेट ना इस्तेमाल करें, ठीक है, नहीं तो इंजन का जो लॉन्गेटिविटी है वो कम हो सकता है। कूलेंट का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं कि कूलेंट का लेवल ज़रूरत से कम अगर हो गया है तो उसमें कूलेंट डालना पड़ेगा। काफ़ी समय से आप अपनी कार यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि कूलेंट उसमें कम हो गया हो, तो आप अपने डीलर से बात करके उसे चेंज करा उसमें ऐड करा सकते हैं कूलेंट ओरिजिनल, ठीक है। और उसका लेवल अगर आपको चेक करना है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं इंजन में, वहाँ पर एक मिनिमम लेवल होता है। पहले इंजन को ठंडा होने दीजिए, वेट कीजिए 10 मिनट गाड़ी को रोक करके, 10-20 मिनट वेट करने के बाद आप फिर उसमें देखिए अगर मिनिमम लेवल से नीचे चला गया है तो आपको कूलेंट ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कूलेंट जो है आप गर्म इंजन जब गर्म हो तब कभी नहीं आपको उसे ओपन करना है, ठीक है। इंजन ऑयल का लेवल आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि ये तो कूलेंट और रेडिएटर की बात हुई, इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट भी आपको कभी कभी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट कैसे करें, जो मैंने इंजन ऑयल का कप दिखाया उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो है इंजन ऑयल का कप है, कैप है, उसके नीचे जो है ऑयल फिलर कैप और ऑयल ड्रेन प्लग और ऑयल फिल्टर वहाँ पर होता है। ऑयल फिल्टर के बारे में पहले मैंने बताया था कि ऑयल फिल्टर क्यों यूज़ किया जाता है। ऑयल फिल्टर हमेशा ऑयल जब भी इंजन ऑयल चेंज कर रहे तो उसको भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और इसको चेंज कराइए पीरियोडिकली ताकि आपकी इंजन का लाइफ चलता रहे। और इसे भी अपने हाथ से मत छूइए कभी भी, क्योंकि अगर आप हाथ से छूएंगे तो ये भी आपके लिए इंजीरियस है, ठीक है। और इंजन को ठंडा होने के बाद इसे भी छूइए, कभी भी डायरेक्ट मत छूइए, ठीक है। इसका प्रोसीजर है जिसको मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, लेकिन इंजन ऑयल के बारे में ये आप समझ लीजिए। उसी तरह स्पार्क प्लग्स हैं, मेंटेनेंस के टाइम इसको भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आगे वाले वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं मेंटेनेंस वगैरह और भी सिंपल सिंपल चीज़ें जैसे कार का टायर कैसे चेंज करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अपने जो भी है मेरे एक ब्लॉग लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं है तो मैं अभी उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया होगा या मेंटेनेंस में होगा इसलिए मैंने उसे नहीं डाला होगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल है आप पूछे, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का
आंसर करने के लिए, लेकिन अगले वीडियोस में मैं एक्चुअल रिपेयर को आपको सिखाऊंगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ है जो आपके सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, तो हम सर्विस सेंटर में जाते हैं, ठीक है। अगर हमें मालूम हो तो 2 मिनट का काम है, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी किसी लोगों का सर्विस सेंटर कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाता है उनके लोकेशन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको, या फिर आप बीच में फंस गए हैं रास्ते में, लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, बीच में कहीं फंस गई गाड़ी, तो ये सारी चीज़ों में भी आपको मेरे वीडियोस हेल्प करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं सच में पूरी मेहनत के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई समस्या है प्लीज़ बताइए, कोई भी आपको क्वेश्चन है प्लीज़ बताइए, मैंने अपनी अच्छी कोशिश की। हो सकता है कुछ चीज़ें इनएक्यूरेट हो जिसको मैं अगले वीडियोज़ में करेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसके साथ मैं इस वीडियो को कम्प्लीट करता हूँ। थैंक्स, आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।